जी कैसा लग रहा है लुक? बढ़िया लग रहा है भाई, थंबनेल देख के तो पता लग ही चुका होगा आपको। जरा जाना चोकोबार ले, चोको भाई के लिए। भाई ये ले लिया बुक के। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल मोहन व्लॉग्स। तो भाई आज संडे है, संडे की शुरुआत कहाँ से हो रही है पता है? अंडे से। भाई वाह, ये तो थॉट बन गया यार, ये तो पोएट्री हो गई एक तरह की ना। संडे की शुरुआत अंडे से, कड़ा सस्ता। तो भाई अभी जो है लेट उठाऊँ आज, बहुत आज उठाऊँ भाई 12:45। देख रहे हो टाइम पीछे दिख रहा है, देखो 12:15 हो रहे हैं, मतलब 12 नहीं बजे, इसलिए गुड मॉर्निंग बोल दिया। और अभी व्लॉग जो है भाई रोड पे लगा रखा है, लैपटॉप पे रखा हुआ है। और अभी सोचा था ब्रेकफास्ट बना लो अपना भाई, ब्रेड ऑमलेट, जैसे कि आपको पता है भाई संडे है, तो संडे तो अंडे के साथ ही होगी। चलो कोई नहीं, और डे का शेड्यूल क्या रहेगा क्या नहीं भाई, आधा दिन तो निकल चुका है। अभी संडे है तो टीम को फ़ोन करेंगे, टीम को इकट्ठा करेंगे, कुछ डिस्कशन भी करना है इनके साथ, क्योंकि ये बहुत भाई अपनी हवा में चल रहे हैं, कोई कहीं चल रहा है, कोई कहीं चल रहा है, कोई कहीं। इनको सबको इकट्ठा करके समझाना है कुछ। और दूसरा बहुत ज़्यादा तो शायद ऑफिस पे भी जाएंगे आज, बहुत दिनों को गए हुए, बैठ के काम वाम करना है वहाँ पे, और भी काम देख रहे हैं, तो देखते हैं जैसे भी होता है। और यार लास्ट वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि शीशे पर निशान मार दिए, रिक्शा वाले ने भेड़ दिया था उसमें, तो कोई नहीं, चलो वो भी ठीक करा रहे, अगर अभी पॉलिश हो जाएगी उसको ठीक हो जाएगा वो, तो कोई बात नहीं। पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना। लो जी बन के तैयार हो गया भाई अपना ब्रेकफास्ट, बढ़िया लग रहा है, मैंने बनाया भाई खुद ही। ये दूध आ गया अपना, ये ऑमलेट ब्रेड आ गया भाई, फटाफट से खा दें फिर चलें बाहर। तो भाई फटाफट से ब्रेकफास्ट कर ले भाई अपना, और उसके बाद भाई नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद देखेंगे टीम को फ़ोन वोन करूँ, उनको इकट्ठा करूँ, फिर बैठ के कुछ काम वाम करेंगे भाई। लो ब्रेकफास्ट रेडी है, कर लेते हैं फटाफट। गाड़ी की हालत कैसी हो रही है? देख रहे हो कितनी गंदी हो रही है। और भाई हवा वगैरह तो ठीक है भाई, टायरों में गंदे हो रहे हैं भाई, लाइवल भी गंदे हो रखे हैं बहुत ज़्यादा। ये देखो गंदी हो रखी है गाड़ी बहुत, बल्कि आज बारिश नहीं हुई फिर भी इतनी गंदी हो रखी है। हवा वगैरह तो भाई सब कुछ ठीक है गाड़ी में। जी कैसा लग रहा है लुक? बढ़िया लग रहा है। लो जी बढ़िया लग रहा है ना भाई, हमारे यहाँ पे भी एक्सीडेंट हो गया किसी का, ये बातचीत चल रही है भाई यहाँ पे गाड़ी, ये बैठे भाई आदमी बाहर, किसी ने भाई गाड़ी पलटा दी, डिवाइडर मार गया यार, यहाँ से यहाँ पे आना ना एक टास्क सही हो जाता है। तो भाई स्टार्ट कर लो गाड़ी, क्योंकि मेरा नाला दुश्वार हो जाता है भाई बहुत ज़्यादा, भाई आवाज़ करेगी बहुत स्टार्टिंग में, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है इसको, ये देखो आवाज़ करेगी, ये देखो एसी के बेल्ट इसकी आवाज़ कर रही है, जब से ठीक हो गया ये ना पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है इसमें। निकल चुके हैं भाई कहाँ जाने के लिए पता है, पहले तो यार पसीने देखो, पसीने कितने आ रहे हैं मेरे को, गाड़ी में बैठती तो यार मेरी ज़िंदगी खराब सी हो जाती है। यही थंबनेल देख के तो पता लग ही चुका होगा आपको कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। तो भाई आज चल रहे हैं दिल्ली के भाई परमेश भाई से मिलने, जिनका नाम है भाई सागर भाई। तो भाई काफ़ी टाइम सोच रहा था भाई से मिलूंगा मिलूंगा मिलूंगा, फाइनली भाई वो दिन आ चुका है कि भाई से मिलने का मौका मिल रहा है भाई, क्योंकि भाई मौका ही कहूँगा क्योंकि भाई मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरी जो फैमिली है उनके अकॉर्डिंग तो भाई बहुत बहुत ही अगर 1% है भाई के सब्सक्राइबर्स, भाई कम से कम नाना करते हुए भी 3 मिलियन क्रॉस है। और भाई मेरे तो आपको पता ही है अभी 16K कम्प्लीट हुए हैं बस, और अपना चीता भी आ चुका भाई अपने पास, कौन आरिफ, क्या ड्रामा है भाई, यहाँ ट्रैक्टर लगा दिया भाई, वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी, वैन वहाँ पे दूसरी गाड़ी खड़ी है, ना ट्रैक्टर वाले का पता ना गाड़ी वाले का पता। और भाई अपना चीता भी आ चुका है भाई, ईद वाले दिन चला गया था वो गाजियाबाद, आ गया है वो भी, तो मैंने उसको बोल दिया मगर चलेगा, कहता हाँ वो तो ऑलवेज रेडी है भाई, मतलब टीम में एक बंदा ऐसा है जिसको फ़ोन करके बोल दो ना चलना है तो ठीक है। कटारिया को फ़ोन करूँ कटारिया फ़ोन नहीं उठाता भाई, उसका आता पता नहीं होता वो कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, कौन से दुनिया में होता कुछ नहीं पता। पंकज को फ़ोन करो भाई वो आधे टाइम उसका भी पता नहीं होता, ठीक है आधे टाइम बोलता भाई चलूँगा, फिर कहता है जब हम निकल जाते हैं फिर कहता है मुझे पूछा नहीं, और पूछो तो कहता भाई लेके नहीं गए मेरे को, चलो कोई बात नहीं। और भाई रही बात दूसरे बंदे भाई वो तो दूर दूर रहते हैं काफ़ी, तो चलो भाई फटाफट से आरन को पिक कर ले उसके बाद निकले अपना। भैया भाई अपना चीता भी, हेलो गाइस, इससे पूछो भाई कहाँ था चार 3-4 दिन में, कहाँ मौज काट रहा था, काच काटे आपको तो भाई ऐसे भाई रोज रोज में बढ़िया भाई, इनकी उम्र भी तो है बड़का की यार, हमारा जब टाइम था जब हम ब्लॉगिंग वगैरह करते उस टाइम हम जाया करते, ठीक है अब तो कहाँ क्लब कहाँ लॉन्ज लॉन्ज कहाँ भाई, हुआ के घर गया था मैं, चलो यार उम्र भी है बच्चों की कोई बात नहीं, ये चीज़ तो खैर हमने हमारी जब उम्र थी हम कॉलेज टाइम में थे, स्कूल टाइम में थे, स्कूल टाइम में तो नहीं खैर स्कूल कॉलेज टाइम में
हम भी गए, हमने भी बहुत पार्टी वार्टी करी, खूब करी है। सच्चाई है यार, जो है सो है, सभी करते हैं। और अब बढ़ जाता भी है, अब कहाँ टाइम मिलता है इतना। तो चाहिए भाई फटाफट से पहुँचे भाई वहाँ पे, ट्रैफिक हो रहा है बहुत ज़्यादा, फेड़ा वैसे तो घंटे का रास्ता, पर जिस तरह का ट्रैफिक है ना, ये देखो दिख रहा है, इस हिसाब से तो भाई 2 घंटे पहुँचेंगे वहाँ पे। इसलिए भाई थोड़ा आप लोगों से बात कम करेंगे, बीच बीच में करते रहेंगे, पर आपसे कम मिलेंगे, सीधा डायरेक्ट वहीं मिलेंगे। जा तो रहो यार भाई, आइसक्रीम लेने जा रहा है, देख लो चोकोबार ले, चोकोबार चोकोबार ले दो। हाँ बस, हाँ देखो इसके हाथ कभी एक जगह टिकते नहीं है, ये अब बालों में ऐसे मेरे भाई। और अभी पता क्या बोल रहा था ये, अभी गाड़ी बैक कर रहा था, वहां से पीछे आ रहा ऑटो, खैरा टम्पू आ गया भाई। ऑटो को यार ऑटो को टम्पू बोल रहा है, तो बोलते हैं ठीक है, किसी का नाम कुछ होगा बोलेगा, कुछ मेरे को बोलेगा पंकज भाई। हेलो, फोन आ गया। हेलो भैया, कहाँ पर हो? मदर डेरी, मदर डेरी, मदर डेरी। याद लाए ना? हाँ हाँ हाँ, मदर डेरी क्या वॉइस नहीं? मदर डेरी के पास ही खड़ा हूँ बिल्कुल, मदर डेरी के आगे खड़ा हूँ बिल्कुल। आजा आजा आजा, आ रहा भाई अपना छोटा भाई आ रहा है दीपांशु। इस भाई के लिए भाई ये ले लिया बुके, और तो कुछ समझ आ नहीं रहा था मेरे को, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया, मगर चलो ठीक है ये ले लेते हैं भाई के लिए। पीछे दोनों छोटे भाई आ गए हैं, दीपांशु और भाई का नाम क्या है? सार्थक। भाई दोनों भाई आ चुके हैं अपने, और अभी हम हैं NSP, देख लो लोकेशन लगा दे पे, गाड़ी यहीं लगा दे, गाड़ी यहीं लगा दे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लगा चलो ठीक है, यहीं लगा देते। हेलो भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच भाई। तो भाई भाई बहुत दूर से आए हैं, और काफी टाइम से हमारा मिलने का प्लान बन रहा था, भाई से काफी टाइम से मिलने का प्लान हो रहा था, पर यार मिलना हो नहीं पा रहा था, इसलिए मैं कहा चलो आज प्लान करते हैं भाई से मिलने। और शायद मतलब आज ही भाई इतने बिजी थे, शूट पे ही थे, शूट पे ही मिल रहे सीधा भाई। अगर ये नहीं भी लाते ना, तब भी आपका प्यार प्रेम वही रहता सर आपको। ऐसी बात है, ये तो बस अपना प्यार है होती है कि हाँ अपना भाई जब आगे बढ़ रहा है तो भाई दिल जीत लिया भाई। भाई दिल से भाई को बहुत बहुत थैंक्स है कि भाई आए, भाई को मोस्ट वेलकम है। मतलब होता ना कि काम कर रहे हैं हम इतने टाइम से, और भाई ने उस चीज़ों को समझा, और आज हमारे से आए मिलने के लिए आया। और भाईचारा जो सेम लाइन के जो बंदे होते हैं ना, तो उसमें उसी की रिस्पेक्ट समझी जाती है कि कैसे वो मेहनत करता है, कैसे वीडियो बनाता है, कैसे उसका एडिटिंग होती है, कैसे उसमें जान डाली जाती है। ये चीज़ ना हम ही जानते हैं, देखने वालों को ये लगता है यार पता नहीं कैसे कर लेते हैं, ठीक है बहुत आसान लगता है भाई देखने में जब करते हैं ना बंदे, तो उनको पता नहीं चलता कि क्या चीज़ होती क्या नहीं। और जब यहाँ भाई धूप में, भरी धूप में, बारिश ही देखते, ठंड ही देखते, शूट चलता है, कैमरे सामने टेक लेने पड़ते हैं बार बार, तब वो चीज़ समझ में आती है भाई, सारी किसी बस की भी नहीं है सब चीज़ें। तो भाई ने उस मेहनत को समझा, और मतलब यार एक क्रिएटर क्रिएटर की ना चीज़ों को समझ सकता है। तो भाई ने आपके आपको सारे पॉइंट्स बताए कि क्या क्या सिचुएशन हम हैंडल करते हैं। मैं जब तक यूट्यूब पे नहीं था तब तक मुझे भी ये चीज़ लगती थी कि यार पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, पर जब हम करने लगे हमें पता है कि क्या चीज़ क्या चीज़ कैसे क्या हैंडल की जाती है, कैसे क्या होता है। जो ब्लॉग्स बनाते हैं बहुत मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट करो, भाई के ब्लॉग्स को देखो, आप इंजॉय करोगे इसको उसको भाई को, और जो ये मेरे टीम मेट है अभी उसको देखिए। तो भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, ब्लॉगिंग करते हैं, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करके आपको बताते हैं। तो भाई इनके ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और भाई इन भाइयों को कमेंट करते रहो, ताकि हम जैसे भाई भी मिलते रहे एक दूसरे से। और अपने आइडिया ना कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहना कि वो किस टाइप की वीडियो चाहते हैं, मतलब कमेंट सेक्शन में बता दिया करो यार किस टाइप का कंटेंट चाहिए आपको, जिस तरीके से हमें भी हेल्प हो, आपको भी देखने को कुछ नया मिले। जिस टाइप के आप कंटेंट बताएंगे ना कमेंट बॉक्स में, तो उसी टाइप के कंटेंट भाई आपको ला कर देंगे। और जगह जगह आपको अगर लगता है कि कोई एक्सप्लोर करने के लिए कोई जगह है, कोई प्लेस है, या वो खाने की चीज़ है, या कहीं कुछ भी उसका एक्सपायर है, तो वो भाई को कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि भाई वहाँ जाके एक्सप्लोर करे, वहाँ की सब चीज़ों को कवर करे, और आपके सामने एक वीडियो लेकर आए विद कोरा पार्ट। सपोर्ट करो, क्योंकि भाई को बहुत मेहनत लगती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और भाई ऐसी गर्मी में हमसे मिल रहे हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हमें पता है भाई हम पूरा दिन मेहनत करते हैं, रोडों पे पता नहीं कहाँ जाके शूट करना पड़ता है, कैसे कैसे करना पड़ता है। चलो मेरा तो ये है भाई, डेली ब्लॉगिंग होती है, घर से स्टार्ट हो जाती है, बाहर निकलता हूँ, बाहर भी भाई इन जैसे भाइयों से मिलना होता है, अपने बड़े भाई जैसे,
और भी मतलब चला चलो ये तो ठीक है भाई, भाई तो भाई का तो एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, मेरा डेली ब्लॉगिंग है, नई स्टोरी आती है, एक नया अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, तो भाई को तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसीलिए, मेरा तो फिर भी चलो एक तरह से चलता रहता है, घर में से हो गया, बाहर चला गया, गाड़ी में हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आपको भाई आपको तो हैट्स ऑफ भाई, जो कुछ भी है सब आपकी बदौलत है, भाई आपका प्यार प्रेम मेहनत करते हैं तो उसको प्यार सपोर्ट भाई दे करें ना उसको और भी ना कामयाब बना देते हैं मेरी मेहनत से, तो बस यही चीज़ चाहिए दुनिया में, साथ कुछ नहीं जाता, पैसा प्रॉपर्टी सब ही रहती है, सिर्फ इंसानी में उसकी अच्छाई आ जाती है, अच्छाई बुराई और एक प्यार बोलिए बोलिए, तो ऐसी भाई को सपोर्ट करते रहो भाई, और हम दोनों भाइयों के चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब, ताकि हमारी वीडियो भाई का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और बाकी मैं और लिए बता देता हूँ आपको, दिल्ली का परमेश भाई का चैनल है, और भाई का जो ब्लॉग चैनल है वो है पवन ब्लॉग्स 8998, वो तो बताइए आप लोग 11 भी है मार्केट में और 14 भी है, जो मोबाइल फोन है तो काफी लोग यूज कर रहे हैं, तो अभी मेरे कुछ दोस्त बैठे हुए थे यहाँ पर, तो उन्होंने बोला यार आपके फोन की क्वालिटी कुछ ज्यादा आती है, देखो ऐसा होता है कि एक हाथ का हुनर होता है, और यार उसको कैमरा एंगल हम सेट किस तरीके से कर रहे हैं, उस पर एक्सपोजर कितना रख रहे हैं, ये हम चीजों को देखते हैं, और वो क्या करते हैं वो डायरेक्ट शूट कर देते हैं, तो यार उसमें अब मैं कर रहा हूँ 10 में जो काम कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ 2016 से, तो यार कहाँ 2016, और यार बंदा आया है पिछले महीने उसने अकाउंट बनाया है, तो यार समझ में जो टाइम दिया मैंने, जो एक टाइम की वैल्यू जो मैंने तुमने समझा अपने पास सुनोगे एक्सपीरियंस, तो भाई देखो एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ जरूर देख जाता है, फेलियर या फिर सक्सेस दोनों में से एक मतलब चीज़ मिलती है, लेकिन हाँ ये है कि कुछ ना कुछ सिखा ही जाता है, उसके लिए प्रोफेशनल बनना चाहिए होता है, फिर कैरी करने में उसकी क्या पटाओ, फिर उसको बैग में से निकालो, पाउच में से उसको रखो, उसको दिक्कत होती बैटरी लो उसकी नहीं हो पाता भाई, अब स्मार्ट इसमें क्या है आईफोन वगैरह में इसमें एक तो हम कॉल भी कर सकते हैं सबसे बड़ी है ना, कॉल कर लो मैसेज कर लो अपने जो भी आपको प्लेटफॉर्म चलाने चार्ज कर लो, पावर बैंक है, अब यार उसको फिर दिक्कतें होती है उससे, फिर तुमने काट दे किसी क्लोज नहीं, स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई भाई, जब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करी मैंने एंगल भी मतलब फ्रेंड्स तो बन जाएगा, एक बंदा ऐसे शूट करता है हमारा दोस्त है तो फास्ट नहीं ऐसे करता है, तो हेलो गाइस हम आ गए हैं क्यों करता है तो गाइस हम यहां बैठे हैं, तो फोन को यू मूव करता है ऐसे, तो गाइस यहां पर मैं भी और मेरे दोस्त भी आया है, फिर से भी कर लेता है, लेकिन जो दूसरे बंदे का तरीका बताता ना वैसे बताता है भाई ऐसे करता हो तो गाइस सुन लिया ऊपर कुछ नहीं करता है, ये परफेक्ट तरीका है अच्छा भाई आप मुझे ये बताओ कि जब आपने ब्लॉग बनाया था तो पहला ब्लॉग आपने क्या कवर किया था भाई, मैंने पहला ब्लॉग कवर किया था, और ब्लॉग का आइडिया कहाँ से आया, ब्लॉग का आइडिया होता था मैं कैसे आया, मैं ना कैमरे के सामने जस्ट ऐसी मैं अच्छा बोलता था बहुत अच्छा बोलता था, बंदे बोलने लगे तो बोलता था भाई अच्छा तू ब्लॉगिंग कर, एडिटिंग एडिटिंग कुछ नहीं आती इस टाइम, कुछ भी नहीं आता जीरो, पहला ब्लॉग का थंबनेल नहीं है सिंपल एक बड़ी फोटो लगी हुई है बस और कुछ नहीं है, तो कहने लगा भाई ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का नहीं हो पाया, फिर हुआ करके देख फिर धीरे 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 आज फर्स्ट ब्लॉग मैंने डाला था अभी रिसेंट में फर्स्ट टाइम 2013 अभी 31 जनवरी को शूट किया था नेक्स्ट डे डाला था, मतलब कितना टाइम हो गया आपके यहाँ, चलो कोई 4 मंथ्स ही हुआ, बहुत अच्छा है कि मतलब इतनी जल्दी इतनी चीज़ें कर ली, मतलब कुछ कंटेंट को जबरदस्ती होगा भाई, भाई कंटेंट डेली ब्लॉगिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है देखा जाए तो नॉर्मल यार, सबसे बड़ी बात पता क्या होती है डेली ब्लॉगिंग तो कर रहा है पर भाई कंटेंट पब्लिक को पकड़ना अपनी तरफ मतलब वो करना आकर्षित करना भाई किस तरीके से ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती है, ये तो है भाई, पर सबसे बड़ी बात है भाई डेली आइडियाज की आपको जाना था है कि पब्लिक आपकी चीज़ों में इंटरेस्ट ले भाई, ये सबसे बड़ा एक टारगेट सबसे बड़ा ये डेली ब्लॉगिंग में सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती है भाई, सबसे बड़ी दिक्कत कि उसमें फैमिली भी आती है, हाँ ये बात तो है ठीक है, और फैमिली में क्या चीज़ दिखानी क्या नहीं दिखानी बहुत सी चीज़ें होती है भाई, हर चीज़ सोच समझ के करना पड़ता है, तो ये सबसे बड़ा इशू होता है डेली ब्लॉगिंग में, फिर बाहर भी जाना है, और अभी रिसेंट में एक्सीडेंट हो गया था, अच्छा भाइयों का गाड़ी का छोटे भाई गाड़ी डैमेज हो गई थी, ये भी था मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी था, एक्सीडेंट हो गया, अब मेरी आई पे ना पूरा रेड रेड हो गया था, अगर मतलब किसी ने पंच मारा जैसे, अच्छा अच्छा एयर बैग खुल गया था, एयर बैग मुँह लग गया था गाड़ी का, उस टाइम पे भी हमने ब्लॉग नहीं रोके डेली ब्लॉगिंग करी, इसे बोलते डेडिकेशन, तो बंदे मुझे यही बोल रहे थे काफी भाई तुम्हें चोट लगी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थाने बंद हो गई गाड़ी उसके बाद भी तुमने जो है मतलब ब्लॉगिंग रोकी नहीं,
इस चीज से बंदे हो जाते हैं इंस्पायर लोग देख के, इंस्पिरेशन मिली कि यार मतलब एक होता है ना जैसे मतलब कुछ भी यार रिलेटिव दिखाना है, रिलेटिव मेन पर्पस है रिलेटिव दिखाना कि जो चीज़ हम कर रहे हैं आज हम यहाँ बैठे हैं आप भाइयों के साथ बैठे हैं तो वो चीज़ भी है रियलिटी है, कोई फेक नहीं है, मेन पर्पस ही है। इतना बहुत अचीव कर लिया आगे भी बहुत कुछ अचीव कर रहा है अभी तो स्टार्टअप है, बस आप जैसे भाइयों के साथ है तो फिर तो भाई साथ है ना बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। हाँ ये बात तो है भाई, भाई भाई का प्रमोशन कर दो, भाई के 3.5 मिलियन हो गए, जल्दी से 4 मिलियन करवा दो भाई के भी। ये ले भाई अपना भाई शेक भी आ चुका है भाई अपना काफी देर से। चलो जी शेक एंजॉय करा जाए भाई, बहुत लंबी टॉक हो गई है ना। हाँ भाई ठीक है शेक एंजॉय करते हैं। चलो जी सबके शेयर कौन से भाई। कौन से ब्रुम भाई भाई भाइयों से मिलके बहुत अच्छा लगा, और काफी दिन पहले से प्लान कर रहे थे यार कि मिलेंगे 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 पर मिलना नहीं हो पा रहा था, फाइनली भाई से मिलना हुआ भाई परमेश भाई से भाई, nice और थैंक यू सो मच भाई मिलके तो भाई मेरे को अच्छा लगा भाई आपसे बहुत। और भाई अपने अभिषेक धीमान भाई, भाई एक चीज बता दूं आपको कि भाई क्रिएटर तो है ही, भाई भी क्रिएटर है पर भाई साथ साथ सिंगर भी है, डबल क्वालिटी। तो भाई ये चीज और भी नेक्स्ट लेवल हो गई, तो भाई बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे, और जल्दी अगर इन फ्यूचर शायद आपको बहुत जल्दी साथ में देखने को मिलेंगे, बहुत कुछ बहुत, लेकर आए हैं देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा आने वाला है प्रोजेक्ट तो उस पे काम करेंगे हैं। तो भाई सरप्राइज है अभी नहीं बताना किसी को, भाई सरप्राइज रखेंगे ना, अभी नहीं बताना बताएंगे जब आप ना सब्सक्राइब करके रखो तो डे बाय डे आपको अपडेट मिलती रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो जब आपको अपडेट मिलती रहेगी तो फिर आपको पता भी लगता रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या प्लान कर रहे हैं आप सभी के लिए, क्योंकि जो हम वीडियोस हम मतलब कि कुछ भी लेकर आएंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट तो वो आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है, तो आप हमें सब्सक्राइब करके रखिए। दूसरा गाइस बेल आइकन पे क्लिक कर देना, सारे अपडेट तो वहीं मिल जाते हैं आप लोगों को, बात हो गई। और भाई की वीडियोस आती हैं, भाई का चैनल मैंने जैसे ही बता दिया आपको कि दिल्ली का परमेश, ठीक है भाई का चैनल है आपका भाई अभिषेक धीमान, अभिषेक धीमान भाई का चैनल है तो सब्सक्राइब कर देना, और मेरा तो सबसे पहले कर देना। सबसे पहले भाई भाई हमारा भाई से मिलके जो निकल चुके थे भाई, अरे देखो भाई जय श्री राम के भाई झंडे लगा रखे हैं हनुमान जी के, कमेंट में करके लिख देना भाई जय श्री राम। एक दो तीन चार चार झंडे और दो तिरंगे आए हो गए हो। अच्छा 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 कैमरा ऑन कर दिया तो एक साथ दो व्लॉग चल रहे हैं, चल ठीक है ओके गाइस बाय 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 बाय, तो क्लिप भेज दियो मेरे को ओके ओके भेज ठीक है दोनों दोनों क्लिप भेज दियो मेरे को ओके पकड़ो लो पकड़ो पहले पकड़ो पानी की बोतल ठंडी है ये भी लो भाई, रोज रोज खाना बाहर तो मंगवाते रहे मेरे तक बना नहीं सकते घर में ना। अच्छा कहाँ बनाया जब क्यों मंगाया बाहर से फिर क्यों मंगाया फिर बाहर से भाई माए मोटे तो पूछो खाना बाहर बिना कहे वो भी हम उठ भाई खा खोल कर कित गया मम्मी सोती रहे अब मैं बड़े काम तो बाहर जाऊँ भाई मैं जाऊँ भी ना। सो गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं और इस व्लॉग करते हैं पे एंड, करेंगे डिनर उसके बाद करेंगे एडिटिंग शुरू, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।